सोलन में चिट्टे का काला कारोबार करने वालों पर पुलिस लगातार नकेल कस रही है। यही कारण है कि सोलन में करीबन 100 कारोबारियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा चुका है। आज भी सोलन के कंडाघाट में 2 युवाओं को चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया गया है, जो विद्यार्थी हैं और कंडाघाट के निवासी हैं। गौरतलब है कि आज तक पुलिस ने जितने भी कारोबारी पकड़े हैं, वे ज्यादातर युवा हैं, जो पहले इस नशे की दलदल में फंसे और फिर नशे की चाहत में इसका काला कारोबार करने पर मजबूर हो गए। सोलन में चिट्टे का काला कारोबार करने वालों पर पुलिस लगातार नकेल कस रही है। यही कारण है कि सोलन में करीबन 100 कारोबारियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा चुका है। आज भी सोलन के कंडाघाट में 2 युवाओं को चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया गया है, जो विद्यार्थी है और कंडाघाट के निवासी हैं। गौरतलब है कि आज तक पुलिस ने जितने भी कारोबारी पकड़े हैं, वे ज्यादातर युवा हैं, जो पहले इस नशे की दलदल में फंसे और फिर नशे की चाहत में इसका काला कारोबार करने पर मजबूर हो गए। अधिक जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार ने बताया कि सोलन से संगड़ा का संजय कुब्बी का अंकुश लालटा और कंडाघाट के गौरव और नरेश को चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। संजय और अंकुश साइंटिस्ट कॉलोनी में किराए के मकान में रह रहे थे, जिन्हें गुप्त सूचना के आधार पर 1.15 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं कंडाघाट के गौरव और नरेश से 4.66 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया है। शिव कुमार ने बताया कि सोलन पुलिस की चिट्टे के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है, जिसमें वे लगातार चिट्टे के काले कारोबारियों को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं और उन्हें बेहद कामयाबी भी मिली है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस अभियान में सोलन की जनता का बेहद सहयोग मिल रहा है और वे उम्मीद कर रहे हैं कि भविष्य में भी उनका सहयोग मिलता रहेगा। नशे के खिलाफ सोलन पुलिस की मुहिम लगातार जारी है और इसी कड़ी में पिछले कल यहाँ पुलिस जिला सोलन में 2 केसेस एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज किए गए हैं। इसमें पहला केस सदर सोलन में हुआ है, जिसमें 2 व्यक्ति हैं जिनका नाम संजय ठाकुर और अंकुश लालटा है। संजय ठाकुर संगड़ा सिरमौर का रहने वाला है और अंकुश लालटा कुपवी का रहने वाला है, शिमला का। और ये 21 और 20 साल एज है इनकी क्रम से। इनसे 1.15 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है। यहाँ पे ये किराए के मकान में साइंटिस्ट कॉलोनी में रहते हैं। दूसरा जो केस है वो कंडाघाट पुलिस थाने की ज्यूरिसडिक्शन में हुआ है। इसमें 2 व्यक्ति जिनके नाम गौरव शर्मा, जो कि पुजारली का रहने वाला है, 28 साल का है, और नरेश ठाकुर, जो कि श्रीनगर कंडाघाट के साथ ही एक जगह पड़ती है, वहाँ का रहने वाला है। इनसे इनकी गाड़ी से 4.66 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है। इन दोनों मामलों में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। ये जो चारों आरोपी हैं, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है, हेरोइन को सीज किया गया है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन इन केसेस में चल रही है। तो ये था आज दिन भर का कार्यक्रम। कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए एजुडे के साथ। नमस्कार।